हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है गॉर्जियस लाइफ ऑफ अर्चना। आज का जो ब्लॉग है वो मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। किड्स जो है अभी अभी स्कूल से आए हैं और वो एक खुशखबरी और ये बहुत खुश हैं, तो अभी मैं दिखाती हूँ ये क्यों खुश हैं। इनको जो है वो लास्ट क्लास का फर्स्ट प्राइज मिला है और दे गॉट मेडल एंड सर्टिफिकेट। एक्चुअली दोनों को A1 ग्रेड आए हैं, तो इनको ये प्राइस और ये सर्टिफिकेट मिला है, ये काफ़ी खुश हैं। और ये मुझे दिखा रहे हैं कि इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ये सना भी दिखा रही है, उसे भी मेडल मिला है। और उसके बाद ये दोनों चेंज वगैरह करके तो लंच कर लेंगी। तो अभी मैं ये ब्लॉग जो है वो यहीं पे बंद करती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये शाम के 5:30 हो गए हैं, बच्चों ने फ्रेश होके रेस्ट किया, मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब मैं इसे लेके बैठूँगी और थोड़ा सा इसे जो है एग्ज़ाम की थोड़ी प्रेपरेशन करवाऊंगी। वैसे तो ये खुद ही कर लेती है, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे मुझे इसके पास थोड़ा सा बैठना पड़ता है, क्योंकि ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है स्पेलिंग वगैरह में। तो इसे मैं थोड़ा सा अब जो है एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाऊंगी, और साथ में जो मैथ्स है उसकी भी थोड़ी सी इसे जो डाउट्स है वो इसे मैं क्लियर करूँगी। एक्चुअली इसे ये असाइनमेंट मिली थी, वर्कशीट्स मिली थी, क्योंकि हम 1 वीक के लिए हॉलीडे पे थे, तो ये पेंडिंग होमवर्क है, तो ये मैम ने उसको दिया है कि इसे कंप्लीट करके लाए। और इसे मैं अब हेल्प करूँगी होमवर्क करवाने में और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने में। ये अपनी वर्कशीट कर रही है। जो नाइमा है वो 3rd क्लास में है और ये अब 4th क्लास में जाएगी। मैंने जो डिनर की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, उसके लिए आज जो बच्चों को इनाम मिला है, तो मैंने सोचा कि इनकी फेवरेट कुछ अच्छी सी चीज़ बनाई जाए। तो इनकी जो फेवरेट है वो है पाव भाजी। तो जैसे कि मैंने पाव भाजी को के लिए सब्जी वगैरह जो बॉयल होने के लिए रख दी हैं। सबसे पहले मैं पाव भाजी के लिए एक मसाला रेडी कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है, उसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। जब तक कि हमारी जो सब्जी हैं वो बॉयल होती हैं, तब तक हम इसके मसाले की प्रेपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल का लिया है, और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी बटर। ये मैंने घर का बना बटर लिया है, आप चाहे तो अमूल बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा बटर भी अब अच्छे से मेल्ट हो गया है, और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, और अच्छे से जो जिंजर गार्लिक है वो तेल में फ्राई हो जाए और इनसे अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और कच्चापन भी इसका दूर हो जाए। ये मैंने फ्रेश जिंजर गार्लिक को चॉप किया है और उसका पेस्ट बनाया है, आप चाहे तो रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं। इसे मैं बीच बीच में मतलब हिलाती भी जाऊंगी ताकि जो हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो नीचे से लग ना जाए। हमारा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो पक गया है। अब उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कटे हुए प्याज, इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी।
हमारे जो प्याज है वो अच्छे से पक गए हैं, थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चॉप्ड शिमला मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम को भी मैं अच्छे से अब पका लूँगी। इसे हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कुक करना। फिर उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी बटर। मेरा पाव भाजी के लिए मसाला रेडी है। अब मैं गैस ऑफ करके अपने कुकर को ओपन कर लूँगी और जो मेरी सब्जियां हैं वो अच्छे से बॉयल हो गई हैं। इसमें मैंने गोभी, टमाटर, आलू, कैरेट और मटर ऐड किए हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने बटर भी ऐड किया है। अब सारी सब्जियों को मैं अच्छे से स्पून की हेल्प से मैश कर लूँगी। मैं इसे धीरे धीरे करके मैश कर लूँगी ताकि जो सारी वेजिटेबल है वो अच्छे से मैश हो जाए। और आप चाहे तो इसे ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट मेरे घर में ऐसी जो हाथ से जो मैश की हो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। हाफ मैश करके जो मैंने सारी वेजिटेबल्स को मैश किया था और उससे पहले जो मैंने मसाला तैयार किया था उसमें मैं सारी वेजिटेबल को मिक्स कर दूंगी और फिर पैन में ही मैं एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर दूंगी। उसके बाद में जो मैंने सबसे पहले मसाला रेडी किया था उसे अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मैं मैशर से मैश करती जाऊंगी ताकि जो है सारी सब्जियां एकदम मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें स्क्वीज़ करूंगी 2 लेमन। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जब सारी सब्जी अच्छे से मैश हो जाएंगी तब मैं इसे गार्निश करूंगी विद धनिए की पत्ती के साथ। पाव भाजी और पाव भी अब अच्छे से मैंने सेक लिए हैं और हमारी पाव भाजी की प्लेट रेडी है। आई होप आपको ये ब्लॉग और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।